नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आयुष्मान भाव। मात्र 5 मिनट में पूरे साल का हाल हम बता देते हैं। 5 मिनट के अंदर में पूरा साल आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले तो आज जन्म पाए लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयां। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और उनको भी बधाइयां जो 19 जुलाई को अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा प्रयोग होता है जो पूरे वर्ष को आपके लिए खुशनुमा बनाता है। शुरुआत करते हैं, आज पैदा हुए लोगों की शिक्षा के बारे में बताते हैं। दिनांक 19 जुलाई को जो लोग पैदा हुए हैं उनके बारे में बताऊं तो शिक्षा के मामले में ये वर्ष अप टू मार्क रहेगा, मतलब उम्मीद से भी बेहतर रहेगा। उम्मीद जितनी उतनी तो रहेगा ही, खूब मन लगेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, तनाव कहीं से भी नहीं होगा। तो पढ़ाई के मामले में कुछ बड़े अवसर अपने आप मिल जाते हैं, जिससे कहीं किसी तरह की उलझन नहीं आएगी, किसी तरह का दोष नहीं पैदा होगा। नई जगह एडमिशन के लिए समय अनुकूल रहेगा। अक्टूबर नवंबर बेहतर इस्तेमाल करें आप। दिसंबर जनवरी महीना आपके लिए कुछ अशांति भरा रहेगा। दिसंबर जनवरी में कुछ इस प्रकार की स्थिति आ सकती है जो कई तरह से आपको उलझाए, परेशान करे, तनाव बढ़ाए। एग्जाम की तैयारी में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप कवर अप कर लेंगे। मार्च अप्रैल कुछ लव अफेयर की उलझनों से भी परेशान रहेंगे आप। मई जून अच्छा जाएगा। व्यापार के मामले में नई सौगात, नई सोच, नई ऊंचाई अपने आप आएगी। व्यापार बहुत अच्छा करेंगे आप। बिजनेस में किसी तरह की दोष की स्थिति की संभावना नहीं। नए वेंचर, पार्टनरशिप, नई जगह विस्तार, खूब सारी संभावनाएं हैं। इन सब स्थितियों से आप आगे बढ़ेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ बहुत सकारात्मक होगा। व्यापार में लाभ के अवसर पार्टनरशिप में अपने आप बन जाएंगे। व्यापार की स्थिति बहुत सकारात्मक खुद से होने लग जाएगी। व्यापारिक नुकसान की घाटे की भरपाई हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ स्थिति उलझेगी। अक्टूबर नवंबर में नौकरी जा सकती है। दिसंबर जनवरी किसी दोस्त के कारण कुछ तनाव अपने आप बन रहा है। फरवरी और मार्च ये 2 महीने आपके लिए बेहतर रहेंगे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर वाले नई नौकरी की तलाश को पूर्ण पाएंगे। अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना बाहर नौकरी के लिए बेहतर रहेगा। विदेश के लिए अगर प्रयास करें तो ये 3 महीने का चयन कर सकते हैं आप। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए सूर्य की स्थिति देखी जाए तो बहुत अच्छी तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करने पर सफलता तो प्राप्त कर ही लेंगे। वर्षफल में सूर्य की स्थिति कर्क राशि में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, मित्र राशि में होने के कारण भी बहुत अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले नौकरी में प्रमोशन के लिए तरस जाएंगे। दिसंबर, मार्च, जून 3 महीना बनेगा, प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाएगा, स्थानांतरण आसानी से। देखिए, एक चीज बताता हूं मैं, सूर्य को बैलेंस कर लेंगे तो सब कुछ आसान रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो 19 जुलाई को पैदा हुए हैं वो बस सूर्य पर फोकस कर दें तो ये स्थिति है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ता मधुरता की तरफ है, संतान का सुख मिलेगा, परेशानियों का अंत होगा, धन का लाभ होगा, पति पत्नी मिलकर कहीं जमीन में निवेश कर सकते हैं। संतान सुख की संभावना अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, जून। कुछ विवाद अगर पहले से चल रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा शांत करने की आवश्यकता है मार्च में, और
जुलाई 2021 में। लव लाइफ, शुरुआत में ब्रेकअप अगस्त अक्टूबर, इसके बाद सब कुछ सामान्य रहेगा। शादी की चर्चा हो सकती है फरवरी में, मई में और जून में। ये स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में आंख और बैक की प्रॉब्लम रहेगी, डिप्रेशन में भी थोड़े बहुत जा सकते हैं आप, पेट की समस्या रहेगी। अक्टूबर, मार्च और जून ये एक्सीडेंट वगैरह की भी संभावना बनती है। आइए हम आपको प्रयोग बताते हैं कि क्या उपाय करके आप बेहतर कर सकते हैं। 11 किलो चावल का दान और दो बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है जो लोग आज जन्म पाए हैं 19 जुलाई को, और 3 लोगों को खाना खिलाकर दूध का दान वो लोग करें जिनकी आज शादी की सालगिरह है। स्क्रीन पर उपाय लिखा हुआ है, आप नोट करिए और आनंद उठाइए। अनुमति चाहेंगे हम, घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सुविधा 9910291850 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। नमस्कार।